वो शायरा जिसने बड़ी शाइस्तगी और संजीदगी के साथ मोहब्बतों की तर्जुमानी भी की, महबूब की सनाखानी भी की, और इसी वजह से पूरी उर्दू दुनिया में उन्हें बड़े ही एहतराम के साथ मोहतरमा शाइस्ता सना कानपुरी के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है, आईना छोड़िए आईने में क्या रखा है, और छाव में जिसकी हंसी वादे किए थे तुमने, मैंने उस पेड़ की शाखों को हरा रखा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपकी मेहमान शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना कानपुर। सदर मोहतरम शोरा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से अपनी बात शुरू करूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ उमर फारूकी साहब ने माइक को छोड़ा है। चाहती हूँ कि कुछ अपने अशार, टूटे फूटे जो भी शेर हैं, वो आप सबकी खिदमत में हाजिर करूँ। मोहतरम साजी साहब का हुक्म था, उनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई, और कमेटी के जितने भी जिम्मेदारान हैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद पेश करती हूँ। साहिब साहब बैठे हैं, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। लोग कम ज़रूर हैं उमर फारूकी साहब, लेकिन ये कम लोग हज़ारों पे भारी हैं, बेशक बहुत सलीके से सुन रहे हैं, तो एक बार खुद अपने लिए आप तालियाँ बजा दीजिए। दूसरी बार मेरी हाजिरी हुई है तिलहर में, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो मैं कौमी यकजहती का ये मुशायरा, ये प्रोग्राम यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ। चार मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ, आप सबको जोड़ती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास देखें। अगर आपकी कुछ दुआएं मिल जाएंगी मुझे तो मैं कोशिश करूँगी आगे आपको और सुनाने की। देख, चार मिसरे हाजिर करती हूँ, देखती हूँ और कहाँ तक मुझे आपकी तवाजो करनी है, कितना पढ़ना है, कितनी देर आप सबके बीच रहना है, पेश करती हूँ, देखिएगा। मोहब्बत की फजाओं में महकता है ये मन मेरा, क्या कहने कि जिससे आती है खुशबू ये ऐसा है चमन मेरा। मोहब्बत की फजाओं में महकता है ये मन मेरा, कि जिससे आती है खुशबू ये ऐसा है चमन मेरा। ये दुनिया नाज कितना ही करे अपनी तरक्की पर, ये दुनिया नाज कितना ही करे अपनी तरक्की पर, मगर पहचान यकजहती कि रखता है वतन मेरा। मगर पहचान यकजहती कि रखता है वतन मेरा, मगर पहचान यकजहती कि रखता है वतन मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने, मैं और पढ़ती हूँ, चार मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास देखें। बेटियों के हवाले से आप सबकी अदालत में चार मिसरे हाजिर करती हूँ। हमारे समाज में बेटियों को क्यों कम समझा जाता है और हम क्यों कम समझें, बेटियां क्या नहीं करती हैं, बेटियां वो कर दिखाती हैं जो बेटे नहीं करते हैं, मैं पेश करती हूं आप सबकी अदालत में रखती हूं, देखिए। यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है। अगर ये चार मिसरे मेरे सच्चे और अच्छे हैं, एक एक शख्स की ताई चाहिए, पेश करती हूँ। यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, हो घर में बेटियां तो फिर वहां रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहां रहमत बरसती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मैं इजाजत है पेश करूं, मैं हाजिर। इरशाद। यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है,
यही देखा है इन आँखों के दौलत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है, अगर मेहमान कोई आ जाए तो बरकत बरसती है। खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, खुदा से सिर्फ बेटों के लिए उम्मीद मत रखना, हो घर में बेटियां तो फिर वहां रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहां रहमत बरसती है, हो घर में बेटियां तो फिर वहां रहमत बरसती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं कुछ सुनाऊं आपको। अब मैं जिस तरह की मैं शायरी पढ़ती हूँ, हालांकि मैं हर मिजाज के शेर पढ़ती हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत की बात ज़्यादा करती हूँ। एक औरत के क्या एहसासात होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, वो क्या कहना चाहती है, मैं अपनी शायरी में कहना चाहती हूँ। तो मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास। इरशाद, मेरी जुल्फों को कभी शाम नहीं लिखता है, क्या कहने, और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है, और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है। उसको ये खौफ के बदनाम ना हो जाओ कहीं, उसको ये खौफ के बदनाम ना हो जाओ कहीं, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, देखें। इरशाद, वो मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, वाह वाह वाह, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी आदत है हर एक शख्स से हंस कर मिलना, मेरी आदत है हर एक शख्स से हंस कर मिलना, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता। क्या कहने, वाह 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 वाह, करम स्टेज से भी मुझे पूरी दुआएं मिल रही हैं, बहुत दादो तहसीन से नवाज रहे हैं हमारे शोरा इकराम, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे लिए खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ एक गज़ल के कुछ शेर, एक मतला कुछ शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ बतौर ख़ास। देखें, बिल्कुल ताज़ा गज़ल है, अगर आप लोगों ने सुन ली तो मैं कोशिश करूँगी आगे सुनाने की। मतला पेश करती हूँ, हिलाल भाई जी। इरशाद, बहुत ही खूबसूरत निजामत, बहुत सलीके से, बहुत ही मेहनतों के साथ हिलाल साहब निजामत फरमा रहे हैं। नवाज़िश, मतला हाजिर करती हूँ बतौर खास। आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, क्या कहने, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, देखते देखते चांद ढल जाएगा, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, देखते देखते चांद ढल जाएगा, तुम न आए तो फिर ऐ मेरे जाने जा, तुम न आए तो फिर ऐ मेरे जाने जा, सुबह तक ये मेरा दम निकल जाएगा, आंसुओं की रवानी, क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया। हुक्म है, मैं दोबारा मतलब पढ़ती हूँ, क्या कहने, वाह वाह। आंसुओं की रवानी न
रुक पाएगी, देखते देखते चांद ढल जाएगा, तुम न आए तो फिर ऐ मेरे जाने जा, सुबह तक ये मेरा दम निकल जाएगा, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी। और शेर हाजिर करती हूँ, बता खास देखें, इश्क का खेल तो आग ही आग है, दूर मैं भी रहूं दूर तू भी रहे, इश्क का खेल तो आग ही आग है, दूर मैं भी रहूं दूर तू भी रहे, तूने मेरी अगर बात मानी नहीं, तूने मेरी अगर बात मानी नहीं, मैं भी जल जाऊंगी तू भी जल जाएगा, तूने मेरी अगर बात मानी, मैं भी जल जाऊंगी तू भी जल जाएगा, क्या कहने, वाह वाह, तू भी जल जाएगा, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, क्या कहने, शुक्रिया। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ, देखें, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, मैं मोहब्बत हूँ मुझे से मोहब्बत करो, बेवफाई करोगे तो फिर सोच लो, क्या अच्छा मिश्रा है, मैं मोहब्बत हूँ मुझे से मोहब्बत करो, बेवफाई करोगे तो फिर सोच लो, मैं मोहब्बत हूँ मुझे से मोहब्बत करो, बेवफाई करोगे तो फिर सोच लो, कोई मरहम न मिल पाएगा जख्म को, कोई मरहम न मिल पाएगा जख्म को, तीर जब मेरी आँखों का चल जाएगा, कोई मरहम न मिल पाएगा जख्म को, चल जाएगा, क्या कहने, वाह, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, क्या कहने, वाह, बहुत शुक्रिया। और शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, डूबा डूबा सा दिल ये जो सीने में है, सिर्फ तेरी जुदाई की सौगात है, डूबा डूबा सा दिल ये जो सीने में है, सिर्फ तेरी जुदाई की सौगात है, तू आदत को मेरी जब आ जाएगा, तू आदत को मेरी जब आ जाएगा, सांस चल जाएगी जी संभल जाएगा, तू आदत को मेरी जब आ जाएगा, सांस चल जाएगी जी संभल जाएगा, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, चांद ढल जाएगा, तुम न आए तो फिर मेरे जाने जा। और ये शेर हाजिर करती हूं, दोस्तों कुछ ज्यादा ही डूबकर आप समाप्त कर रहे हैं, अगर वाकई मुशायरे की जिंदगी का आप एहसास दिलाना चाहते हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि जोरदार तालियों से भी अपना एहसास दिलाती रहिए। और ये बता दीजिए कि तिलहरका मुशायरा आगाज से लेकर इख्तिताम तक कितनी खूबसूरती के मनाजिल तय कर चुका है, दोबारा से इस्तकबाल कीजिए, बड़ी मेहनतों से मोहतरमा एक बहुत ही मुरस्सा और म्यारी गजल से नवाज रही हैं। नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, सलाम करती हूँ आपके जज्बे को, आपकी समातों को, बहुत खूबसूरत बहुत सलीके से आप हजरा समात फरमा रहे हैं, और आपकी जो दुआएं हैं जितनी भी हैं मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं पेश करती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, शेर हाजिर करती हूँ बतौर इरशाद, आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी,
देखते देखते चांद ढल जाएगा तुम ना आए तो फिर है मेरे जाने जान प्यार में जैसे कि मैं दरबदल हो गई घर भी छूटा इधर से उधर हो गई क्या कहने प्यार में जैसे कि मैं दरबदल हो गई घर भी छूटा इधर से उधर हो गई क्या खबर थी कि मेरी मोहब्बत को वो क्या खबर थी कि मेरी मोहब्बत को वो अपने पैरों के नीचे कुचल जाएगा क्या खबर थी कि क्या कहने वाह प्यार में जिसे के मैं दर बदल हो गई घर भी छूटा इधर से उधर हो गई क्या खबर थी कि मेरी मोहब्बत को वो अपने पैरों के नीचे कुचल जाएगा आंसुओं की रवानी न रुक पाएगी देखते देखते चांद ढल जाएगा तुम न आए तो फिर है मेरे जाने जा बहुत शुक्रिया क्या कहने इजाजत हो तो एक गजल की कुछ बिल्कुल इरशाद इरशाद में हाजिर कर दूं इरशाद अली अगर आप थक चुके हैं और आप सुना नहीं चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं आप मैं मतलब हाजिर करती हूं जी इरशाद मतला पेश करती हूँ बतौर खालते के हिजर की रात में गम हो जब साथ में हिजर की रात में गम हो जब साथ में तुम मोहब्बत पे मेरी भरोसा करो हिजर की रात में गम हो जब साथ में हिजर की रात में गम हो जब साथ में तुम मोहब्बत पे मेरी भरोसा करो आके पलकों पे जो झिलमिलाने लगे आके पलकों पे जो झिलमिलाने लगे उन चराहों से घर में उजाला करो हिजर की रात में गम हो जब साथ में बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा सुना लेकिन कुछ लोग खामोश हैं समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सुनना चाहते हैं थोड़ी देर की बात है थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाइए आखिरी हिस्सा है मुशारे का अगर आप लोग जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो ये मुशारा बहुत अच्छा बहुत कामयाब हो जाएगा मैं पेश करती हूँ बतौर खास देखें हिजर की रात में गम हो जब साथ में और हुस्ने मतला हाजिर करती हूँ देखें उमर साहब हो हिजर की रात में गम हो जब साथ में मशवरा मुझे को देता है दिल ये मेरा इस कदर भी न खुद को सवारा करो मशवरा मुझे को देता है दिल ये मेरा इस कदर भी न खुद को सवारा करो आईना देख लेगा किसी दिन तुम्हें आईना देख लेगा किसी दिन तुम्हें वो ये कहता है उससे भी पर्दा करो हिजर की रात में गम हो जब साथ में हिजर की रात में गम हो जब साथ में तुम मोहब्बत पे मेरी भरोसा करो आके पलकों पे जो झिलमिलाने लगे उन चराहों से घर में उजाला करो हिजर की रात में गम हो जब साथ में और शेर हाजिर करती हूँ बहुत ज़हीन समाते हैं पेश करती हूँ आप सबकी अदालत में रखती हूँ ये शेर
मैं ये शेर बहुत जिम्मेदारी के साथ आप सबकी अदालत में रखती हूँ, मुझे मेरे शेर की कीमत मिलनी चाहिए। पेश करती हूँ बतौर खास, देखें। हिजर की रात में गम हो जब साथ में, नौजवान भाई बैठे हैं आप भी सुन लीजिए, शेर हाजिर करती हूँ, देखें। खौफ रुसवाइयों का मिलेगा तुम्हें साथ, तन्हाइयों का मिलेगा तुम्हें। खौफ क्या कहने का मिलेगा तुम्हें साथ, तन्हाइयों का मिलेगा तुम्हें। जहमतें जिल्लतें आफतें तोहमतें, जहमतें जिल्लतें आफतें तोहमतें, इश्क की राह में सब गवारा करो। हिजर की रात में गम हो जब साथ में, वाह वाह वाह, गम हो जब साथ में। क्या कहने, मैं हाजिर करती हूँ, पेश करती हूँ बतौर खास, देखें। तुम मोहब्बत पे मेरी भरोसा करो, आके पलकों पे जो झिलमिलाने लगे। खौफ रुसवाइयों का मिलेगा तुम्हें साथ, तन्हाइयों का मिलेगा तुम्हें। जहमतें जिल्लतें आफतें तोहमतें, जहमतें जिल्लतें आफतें तोहमतें, इश्क की राह में सब गवारा करो। हिजर की रात में गम हो जब साथ में। और ये शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें। इरशाद अली, गम मोहब्बत भी है गम सदाकत भी है, बेशक बेशक, गम इबादत भी है गम अमानत भी है, गम मोहब्बत भी है गम सदाकत भी है, गम इबादत भी है गम अमानत भी है। आंसुओं का तकद्दुस बड़ी चीज है, आंसुओं का तकद्दुस बड़ी चीज है। दुनिया वालों के आगे न रोया करो, हिजर की रात में गम हो जब साथ। वाह वाह वाह, मोहब्बत भी है गम सदाकत भी है, गम इबादत भी है गम अमानत भी है। आंसुओं का तकद्दुस बड़ी चीज है, आंसुओं का तकद्दुस बड़ी चीज है। दुनिया वालों के आगे न रोया करो, हिजर की रात में गम हो जब साथ में। बहुत शुक्रिया। और ये शेर हाजिर करती हूँ, इरशाद। एक शेर हम्द का शेर हो गया है, मैं पेश करती हूँ बतौर खास, देखें। हिजर की रात में गम हो जब साथ में, हाँ वही मेरा माबूद है। जर्रे जर्रे में जो आप मौजूद है, हाँ वही मेरा माबूद है। जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, सामने जो रहे और दिखाई न दे, सामने जो रहे और दिखाई न दे। बंदे आंखों से उसका नजारा करो, हिजर की रात में। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। हिजर की रात में हाँ वही मेरा माबूद है। क्या कहने, जर्रे जर्रे में जो आप मौजूद है, सामने जो रहे और दिखाई न दे। सामने जो रहे और दिखाई न दे। बंदे आंखों से उसका नजारा करो, हिजर की रात में गम हो जब साथ में।
और ये शेर मैं मोहतरम साजिद साहब के हवाले से आप सबकी अदालत में रखती हूँ। आज जब मैं इनके यहाँ आई, इनके घर की जो मेहमान नवाजी मैंने देखी, जो खुलूस, जो मोहब्बत, जो प्यार, आज उसी की ज़रूरत है। जॉइंट फैमिली है, सब एक साथ रहते हैं, बहुत ही मोहब्बत और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी इनके घर में। और जो इनकी वालिदा हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और जो इनकी खिदमात हैं आपकी वालिदा के साथ, मैं हाज़िर करती हूँ बतौर ख़ास शेर, मक्ते का शेर हाज़िर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, इरशाद है, हिजर की रात में गम हो जब साथ में, सजदा कहते हैं जिसे कोई इबादत है ये, ऐसा ना बंदगी की अलामत है ये, सजदा कहते हैं जिसे कोई इबादत है ये, ऐसा ना बंदगी की अलामत है ये, माँ के कदमों की तो बात अलग है मगर, माँ के कदमों की तो बात अलग है मगर, हर जगह अपना सर ना झुकाया करो, हिजर की रात में गम हो जब साथ में, सजदा कहते हैं अलामत है ये, माँ के कदमों की तो बात अलग है मगर, हर जगह सर न अपना झुकाया करो, हिजर की रात में गम हो जब क्या कहने।